आसमान जो अपनी बुलंदी पर इतराता है, ये आसमान जो अपनी बुलंदी पर इतराता है, भूल जाता है कि यही जमी से ही नजर आता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सरस सिंह। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज प्लेटफॉर्म जौनपुर डेली टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी माधोपट्टी गांव में है। आज राजनीति से हटकर क्रिकेट की चर्चा करते हैं। अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर लिया जाता है। वहीं रांची की गलियों से निकलने वाले महेंद्र सिंह धोनी की भी चर्चा जरूर की जाती है। वहीं इलाहाबाद के मोहम्मद कैफ, मेरठ के प्रवीण कुमार एवं आजमगढ़ के प्रवीण दुबे के साथ कमरान खान की भी चर्चा जरूर की जाती है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बहुत से खिलाड़ियों ने निकलकर उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान की क्रिकेट को एक नई आवाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी माधोपट्टी गांव में है, जो यहां से खुशियों भरी खबर लेके आई है कि यहां के लड़के का मध्य प्रदेश क्रिकेट अंडर 19 प्रतियोगिता में चयन हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ठीक दाहिनी तरफ गांव के माधोपट्टी के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है गांव का। चाचा, तो सबसे पहले अमन सोलंकी का चयन हुआ है अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में, कैसा माहौल है गांव का? गांव का बहुत खुशमिला माहौल है। लोग चाहते थे कि क्रिकेट के खेल की दुनिया से भी हमारे गांव के कुछ लोग आए सामने। तो आप पहला लड़का जो है मेहनत की, अपनी मेहनत के बल पर वो एक प्रवेश द्वार तक पहुंचा है कि उसका सिलेक्शन मध्य प्रदेश के अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है एज ए वाइस कैप्टन। तो जानना चाहेंगे कि अमन बल्लेबाजी करते हैं या गेंदबाजी या राउंड या विकेट? अमन बल्लेबाजी करते हैं और कभी कभी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो अमन के परिवार में चाचा कौन कौन है, थोड़ा सा बताएं हमारे? अमन के परिवार में यहाँ पर उनकी दादी, उनका छोटा भाई है, एक बार छोटा भाई चाचा की लड़की। और हमारे साथ कुछ लोग हैं माधोपट्टी, जो कि आईएसपीसीएस का गांव रहा है, और यहां से कुमार विश्वास ने कहा था कि ये एक ऐसा गांव है यहां से ढेला मारो तो आईएसपीसीएस निकलते हैं। इस बार क्रिकेट की दुनिया में माधोपट्टी का नाम ऊंचा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छे विकास देख रहे हैं भाई, हो सब हमारे लड़का जो है कर रहे हैं कि और आगे बढ़े अंतरराष्ट्रीय खेले। अभी लड़का मेहनत कर रहा है, अभी तो पहुंचे अंडर 19 में, भगवान उसको और साहस दे और हिम्मत दे, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचे। हमारे गांव का नाम हो, हमारे जिले का नाम हो, हमारे प्रदेश का नाम हो, हमारी भगवान से यही कामना है कि आगे बढ़े। 2011 जनगणना के अनुसार 45 लाख से अधिक आबादी वाला जौनपुर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं पैदा कर पाया, एक बहुत ही बड़ा कलंक है। वही बात करें तो मड़ियाओं के अजोसी से राधा यादव ने महिला क्रिकेट में जरूर अपना नाम बनाया। आप तो समझना चाहेंगे कि 45 लाख से ज्यादा आबादी वाला जौनपुर आज तक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नहीं पैदा कर पाया। अब होगा अमन सोलंकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंडर 19 से प्रवेश करेगा, ये मेरा 100% विश्वास है, क्योंकि वो गरीबी से उठा है और गलियों से निकला है और एमपी से जा पहुंचा है और एमपी से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा, माधोपट्टी का, जौनपुर जिले का, उत्तर प्रदेश का। आप लोगों को कैसे पता चला कि अमन का अंडर 19 में चयन हुआ है? न्यूज माध्यमों के द्वारा पता चला कि अमन सिंह सोलंकी का चयन बिनु मांगकर ट्रॉफी में, जो आईसीसी बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। तो गांव का कैसा माहौल है? गांव का बहुत ही खुशनुमा माहौल है, सब एक दूसरे को मिलकर के बधाई दे रहे हैं कि अमन सिंह सोलंकी, भगवान करे कि वो अंडर 19 से निकल करके आईपीएल या भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में अपना स्थान सुनिश्चित करे। ये माधोपट्टी की गांव अगर देश प्रदेश हो या अन्य जनपदों में होती है तो आईएसपीसीएस के गांव से चर्चा होती है। इस बार खेल कूद के नजर से माधोपट्टी का नया आवाम ऊंचा हुआ है, इसके क्या कहना है? सबसे पहले तो अमन को, अपने बेटे को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगर आईएसपीसीएस से हट के अगर कोई करना चाहता है यहाँ पे तो खेल जगत में अमन जो है निकला है अंडर 19 मध्य प्रदेश क्रिकेट से, उसका सिलेक्शन हुआ है एज ए वाइस कैप्टन, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा। और हमारे गांव में इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ आईएसपीसीएस के फेल से ही लड़के निकल रहे, और सबसे बड़ी खुशी है खेल जगत से भी निकल रहा है वो कोई, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी है। क्या कारण रहा है कि जौनपुर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं पैदा कर पाया?
अब कारण में देखें तो यहाँ सबसे बड़ी मतलब कमी ये है कि यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, खेल कूद का मैदान भी नहीं है, तो बच्चे कैसे खेलेंगे। तो इसमें सरकार को कम से कम विशेष, यही राज्य मंत्री सदस्य विधायक भी हैं आपके खेलकूद के जी, फिर भी अब देखते हैं, अभी खेलकूद मंत्री हुए हैं, हो सके तो 5 साल में हो सकता है डेवलप, आगे देखिए क्या करते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं था। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए माधोपट्टी के कुछ लोग, जिनका अमन की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं लोगों के द्वारा दी जा रही है। वहीं अमन के लिए अब चैलेंज और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो एक जौनपुर के एक तरह से कलंक रहा है कि जौनपुर आज तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को पैदा नहीं कर पाया है, अब अमन सोलंकी से उम्मीदें और भी बढ़ गई है। उम्मीदें तो अमन सोलंकी से अब बहुत अधिक है, देखना है कि अमन सोलंकी अब कितना सफल हो पाते हैं। फिर किसी नई खबर में मिलेंगे। जय हिंद।